अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौरी हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों रमज़ान मुबारक हमारा चल रहा है, तो मैं आप लोग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चाट, फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह वाली चाट लेकर आ रहा हूँ, जो रिफ़्रेशिंग होगा रफ्तार के टाइम में, खाने में भी मज़ेदार होगा, ठंडी भी होगी और खाने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक नई फ्रूट चाट लेकर आया हूँ, जो घर में बनाना बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैंने दो केले काट लिए हैं स्लाइस में, एक मैंने सेब काट लिए है इस तरह क्यूब में, और पांच से छह खजूरें मैंने इस तरह काट ली हैं, ठीक है। और ये मैं आज बना रहा हूँ दही वाली फ्रूट चाट। तो मैंने क्या लिया है, मैंने 300 मिलीलीटर यानी 250 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर के करीब दही लेके, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पत्ते और 1 टेबल स्पून मैंने पुदीने के पत्ते डालकर, एक सब्ज मिर्च डालकर उसे ब्लेंड कर लिया, ग्राइंड कर लिया अच्छी तरीके से। तो हमारी ये चटनी बन गई है, ठीक है। और मैंने इसमें 1/4 के करीब साल्ट मिलाया है। तो दोस्तों ये इसका की इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी से ये जो आपकी चाट होगी मज़े की बनेगी और ये आपको रिफ्रेशिंग करेगी। तो लास्ट में हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, वो ऑप्शन है, अगर आपने डालना है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं, इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। सबसे पहले एक खुला बर्तन ले लें, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दें आप, खजूरें, केला और सेब। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत सिंपल और मज़ेदार है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। अब दोस्तों इसमें इतनी डालनी है, ये तकरीबन दो अफराद के लिए मैं बना रहा हूँ, अगर आपने ज़्यादा लोग के लिए बनानी तो आप इसमें डाल दें। तो उसे इसमें इतनी मिलानी है कि हमारा ये वाटरी ना हो, थोड़ा सा ड्राई टाइप ये मटेरियल हमारा रहे। और 1/2 टीस्पून आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं, दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आती है, आने वाले पूरे रमज़ान में मैं आपको मुख्तलिफ़ चाट्स, फ्रूट चाट्स और स्नैक्स लेकर आता रहूँगा जो हेल्दी होगी। दोस्तों ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। तकरीबन इसमें 100 मिलीलीटर के करीब ये हमारे दही वाली चटनी जाएगी। चलो दोस्तों ये तैयार है, मैं अब आपको सर्विंग में डाल के दिखाता हूँ। तकरीबन 100 मिलीलीटर के करीब इसमें मैंने ये चटनी डाली है, लास्ट में हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार आसान सी हरी चटनी वाली फ्रूट चाट तैयार है, हरी चटनी के दही वाली फ्रूट चाट तैयार है, दही वाली फ्रूट चाट ये बहुत मज़ेदार है। दोस्तों अब 1/2 टीस्पून के करीब इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगा, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। चले दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।